बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी के विधायक विनोद कुमार सिंह का आज देहांत हो गया। उन्होंने दिल्ली के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। दरअसल विनोद कुमार सिंह पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। ब्रेन हेमरेज की शिकायत के बाद उन्हें पिछले कुछ दिनों पहले ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंत्री विनोद सिंह के निधन की जानकारी खुद उनके पीए राजीव रंजन ने दी है। विनोद कुमार सिंह मूल रूप से बिहार के कटिहार के रहने वाले थे और उनकी गिनती बिहार बीजेपी के कद्दावर नेताओं के रूप में होती थी। कुछ ही दिन पहले उनको पत्नी समेत कोरोना हुआ था, जिसके बाद वो स्वस्थ हो गए थे, लेकिन इसके बाद फिर उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसकी वजह से इलाज के लिए पटना से उनको एयर एम्बुलेंस की मदद से दिल्ली भेजना पड़ा था, जहां आज उनका निधन हो गया। विनोद कुमार सिंह के निधन पर बिहार के राजनेताओं ने गहरा शोक जताया है। आपको बता दें कि साल 2010 में चुनाव में विनोद कुमार सिंह ने कटिहार जिले के प्राणपुर सीट से चार बार के विधायक महेंद्र नारायण यादव को हराकर प्राणपुर में दोबारा कमल खिलाया था। 2015 में फिर से विनोद कुमार सिंह ने एनसीपी से उम्मीदवार इशरत प्रवीण को हराया था और विधानसभा पहुंचे थे। उन्हें नीतीश सरकार में खनन एवं भूतत्व मंत्री तथा बाद में पिछड़ा तथा अति पिछड़ा कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गयी थी। News Desk